हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स। और आज मैं ये एक्साइटिंग टॉपिक लेके आ रही हूँ कि शेयर ट्रेडिंग में आप लोग कैसे सफ़र हो सकते हैं रेकी के द्वारा। तो जो शेयर ट्रेडिंग है वो आजकल लोगों को बहुत चस्का लगा है, और मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, दिल दहल जाता है, बैलेंस नहीं रहता माइंड, और यहाँ तक कि लोग बहुत सुसाइड और इस तरह के केसेस भी आ जाते हैं जब शेयर ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। तो जो लोग शेयर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, जिन लोगों का शेयर ट्रेडिंग का मन करता है, तो उन लोगों को हम जो है उस स्ट्रेस के साथ कैसे कोप अप करें और राइट शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करें, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक आपने देखना है। तो पहली चीज़, इसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन पावर जो है बहुत बहुत इंक्रीज़ करनी है। तो आपकी जो इंट्यूशन पावर है, जब आपकी वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो अपनी इंट्यूटिव पावर से आपको जो है रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। तो आप इंट्यूटिवली वो ख़रीदते हैं शेयर्स या वो बेचते हैं एट द राइट टाइम जो आपको बेचना होता है। इसके लिए काम आते हैं आपके डिस्टेंट हीलिंग सिंबल्स। तो रेकी के सेकेंड डिग्री में डिस्टेंट हीलिंग सिंबल्स जो हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें तीन सिंबल्स होते हैं। एक होता है पावर सिंबल, जिसका नाम तो नहीं लेना चाहिए बट लोग लेते हैं। तो जिन लोगों ने रेकी सीखा हुआ है वो समझ गए होंगे मैं किस सिंबल की बात करती हूँ, क्योंकि सिंबल्स आर सपोज टू बी सीक्रेट। तो पहला पावर सिंबल है। पावर से आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ जाती है। तो जब इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है आपकी, तो आप ऐसी डिसीशन मेकिंग कर सकते हैं जो आपको राइट गाइडेंस देती है। दूसरा सिंबल होता है मेंटल एंड इमोशनल सिंबल। तो मेंटल और इमोशनल हीलिंग सिंबल जो है आपके इमोशंस को, आपके जो ऊपर नीचे जाते वाले इमोशंस हैं उनको स्टेबलाइज करता है। आप उसमें बिल्कुल स्टेबल हो जाते हो, तो वो स्टेबल होने से आपका जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तीसरा है डिस्टेंट हीलिंग सिंबल। डिस्टेंट हीलिंग सिंबल से आप वो हीलिंग एनर्जी अपने गोल को दे सकते हो कि मैं शेयर ट्रेडिंग में अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो रहा हूँ। तो इसमें रेकी हीलिंग मेडिटेशन और रेकी हीलिंग एफर्मेशंस बहुत अच्छा काम करती हैं। तो आपको लगभग 40 दिन तक रेकी हीलिंग मेडिटेशन और रेकी हीलिंग एफर्मेशंस का प्रैक्टिस करना है। वो आप रेगुलरली अगर आप करते रहोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और वो अच्छे रिजल्ट मिलने से आपका जो है पूरा गेम चेंजर हो जाता है। वो तो आपने जल्द से जल्द रेकी सेकेंड डिग्री तक तो आपने सीखना ही सीखना है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि रेकी वन कर लूँ क्या, वो काफ़ी है? बट आई वुड से कि वो काफ़ी नहीं होता। रेकी वन सिर्फ एक तरह से आपको एक इनिशिएशन है, इंट्रोडक्टरी इनिशिएशन है इनटू एनर्जी क्या है, कैसे काम करती है। तो ये है, तो आपको सेकेंड डिग्री ज़रूर सीखना है अगर आप शेयर ट्रेडिंग में डील करना चाहते हो। और उसको रेगुलरली 40 दिन तक आपने अपनी इंट्यूशन पावर पे वर्क करना है। ऑब्वियसली आपको रिसर्च तो करनी है अपने शेयर्स पर कि वो कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहा है, तो ये तो आपने करना ही करना है। तो ये आप करें, और इसके कैसे परिणाम आते हैं 40 दिन की प्रैक्टिस के बाद मुझसे शेयर करें, कॉमेंट बॉक्स में लिखें, आपका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ देख के आऊँगी।